दिया जान, जो जिंदगी है तुम्हारी और हम सब की, दोस्तों की, खैर अब तो सब बिखर गए और कोई कहीं पे है कोई कहीं पे है, हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग रही है। और मैं हमेशा से इस चीज़ में बिलीव किया है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को शेयर करना चाहिए अपने फैंस के साथ, जो लोग तुम्हें चाहते हैं और फॉलो करते हैं। तुम क्यों नहीं उसको ऑर्गेनाइज करके डिजिटली डॉक्यूमेंट करती हो? आई डोंट नो तोशी, एक तो आई थिंक आई एम जस्ट लेजी अबाउट इट, नॉट लेजी अबाउट इट, बट यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत खप है। मतलब अभी तुम्हें पता है ना, इस वीडियो कॉल को करते हुए हमें कितनी सेटिंग करने में देर लगी है, तो मैं जो ना बड़ी जल्दी हो जाती हूँ, थक जाती हूँ। एंड आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट माय यूट्यूब चैनल एंड देन, बट देन यू नो आई, मुझे ये हमेशा लगता है कि अगर बंदा कुछ कर रहा हो तो कुछ अच्छा करे ना, कोई कंटेंट सही हो, किसी सही चीज के ऊपर बात करें। वो जो है कि जी अच्छा आज मैंने ये पकाया या आज मैंने ये किया या रैंडम, वो मैंने एक दो दफा लाइव करके देखा है, लोगों को तो बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं थोड़ी एक बार बोर हो जाती हूँ, क्या ये नाम पढ़ रही हूँ और कोई सवालों के जवाब आ। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन तुम्हें इस चीज का पता है कि लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं अबाउट नोइंग द रियल पीपल, टॉकिंग अबाउट यू, द नोइंग द रियल नादिया अफगन एंड व्हाट शी डज इन रियल लाइफ। आई नो दे आर, बिकॉज मैंने वो सेलिना पीरजादा के साथ एक इंटरव्यू किया था, कोई साल हो गया उसको, एंड आई स्टिल गेट मैसेजेस ऑन माय इंस्टा एंड पीपल लाइक लव इट, कि बड़ा हमें मजा आया आपकी बातें सुन के और हमें आपकी इस चीज का पता चला। और यू नो पीपल ऑल्सो रिलेट, लाइक अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल रोट टू मी एंड दे सेड के आपने वो जो बात की मेरे साथ भी जिंदगी में यही हुआ है, या आपने वो जो बात की मेरे साथ भी जिंदगी में यही हुआ है, एंड आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट योर एक्सपीरियंस। सो या आई गेस पता नहीं, मैं बहुत फिल्टर भी करती हूँ तोशी, यू नो कि मैं असल जिंदगी में कैसी इंसान हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है नकली गुफ्तगू का। ऑफ कोर्स, सारी बात है आपकी पर्सनल जो चीजें होती हैं वो यू डोंट हैव टू शेयर, जो कि एक्सट्रीमली पर्सनल होती हैं, लेकिन अदरवाइज भी तोशी तुम मुझे कह रहे हो ना कि हम नकली बातों से, मेरा मुराद कहने की ये थी कि मैं बहुत एक मुंहफट किस्म की इंसान हूँ, फिर मैं बहुत सारी चीजें बोल देती हूँ जो कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती हैं या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होती है, या वो तो मुझे बहुत ज्यादा अपने आप को ना कंट्रोल करके बोलना पड़ता है और फिर तमीज से बात करनी पड़ती है। या अगर मुझसे कोई, कई दफा लोग सवाल पूछे, जैसे मैंने इंस्टा पे बहुत अभी पिछले दिनों 2-3 दफा लाइव किया, फिर आई सेड कि ये मैं नहीं कर रही, बिकॉज आई वॉन्ट टू से थिंग्स बट देन आई स्टॉप माई सेल्फ कि ये मैं नहीं बोल सकती हूँ, हालांकि मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं बोल दूँ ये बात मुझसे अगर कोई कोई सवाल पूछे, बट देन आई नो कि अगर मैं वो बोलूंगी एंड देन यू नो पीपल नो मी एंड फिर वो एक वो पूरा एक वो एक एजेंडा बन जाता है कि नादिया अफगन ने ये बोल दिया, और यू नो हाउ इट बिकम्स दिस थिंग। सो यू नो मुझे बहुत, फिर मुझे लगता है कि अगर मैं वो बात नहीं कर रही जो मैं कहना चाह रही हूँ उस इंसान को, तो फिर क्या फायदा ऐसी गुफ्तगू करने का। बिल्कुल सही कह रही हो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दैट। लेकिन उसमें मेरा जो है ना, उसमें दो दो ऑप्शंस हैं, दो रीजंस हैं उसको बात करने की। पहली बात ये कि तुम्हें लगता है कि क्या हमारी जनरेशन, और हमारी जनरेशन में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम बूढ़े नहीं हैं, लेकिन हम लोग वी आर समवेयर राइट, यू नो, हैंगिंग राइट इन द मिडल। हमसे एक ऊपर जनरेशन है हु आर वेरी फंक्शनल, और हमसे एक नीचे जनरेशन है हु आर क्रेजीली एक्सट्रीमली वोलाटाइली, यू नो, वोलाटिलिटी की हद तक जो है वो फंक्शनल है वो लोग। हम लोग राइट इन द मिडल है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद ये रीजन है कि उस स्पेस को हम समझ नहीं पा रहे? नहीं तोशी, मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ जो तुमने कहा कि फंक्शनल, आई डोंट थिंक, आई थिंक जो हमारे से नीचे जेनरेशन है, अब मैं फिर वो बात करने लगी हूँ, बहुत सारे लोग बहुत बुरा मानेंगे, दे आर वेरी लेजी, उनकी लाइफ बड़ी इंस्टेंट है हर चीज में। मैंने बड़े सारे बच्चों के साथ काम भी किया है, अभी रिसेंटली आई मुझे एक दो मतलब शूट, जब मैं अपना ड्रामा वगैरह कर रही होती हूँ तो तब भी, और एक और भी बहुत सारी जगहों पे मुझे मौका मिलता है आजकल की जनरेशन के बच्चों से मिलने के। आई थिंक 2% बच्चे जो हैं या ये नई वाली जनरेशन जो है, दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग और आर केपेबल ऑफ डूइंग, दे आर वेरी फिकल, और बहुत मुझे मुझे नहीं लगता कि बहुत कम होंगे, 2% भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ जो कि एक्चुअली कुछ कर रहे हैं, वरना आजकल तो आई सी दीज किड्स अराउंड, दे हैव दीज लाइक बस ये किया वो किया, वीडियो लगाई, कोई कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, मतलब कोई कोई उनके पीछे कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है, या कोई वो कोई अगर अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कह
आई डोंट थिंक वो बात कहना भी कोई चाहते हैं, मुझे 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 नहीं लगता है. और बहुत लेजी है, दे वॉन्ट एवरीथिंग डन फॉर देम, दे वेरी प्रिविलेज मोस्ट ऑफ द किड्स दैट आई नो, एंड हर चीज प्लेट में मिल गई है तो बस ठीक है, जिंदगी अच्छी चल रही है, ये गुजारो. 3,000 लाइक्स आ गए हैं इस चीज के ऊपर. मतलब आई नो अ गर्ल, आई वॉज शूटिंग, बड़े मजे की तो मैं बात बताती हूँ, यंग किड एंड शी इज एन एक्टर एंड शी केप्ट पोस्टिंग पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम. सो आई वॉज लाइक कि तुम हर वक्त ये क्या कर रही होती हो, हर वक्त कैसे तस्वीर. तो शी सेड टू मी कि नादो आपा, मैं ये तस्वीर लगाती हूँ और विद इन 1 मिनट अगर मेरे 400 से ज्यादा लाइक्स ना हो तो मैं वो तस्वीर डिलीट कर देती हूँ. मैंने कहा क्या? कहती हाँ, बिकॉज इसका मतलब है कि वो तस्वीर इस काबिल नहीं है. सो लाइक 1 मिनट के अंदर उसने अपना एक वो रखा हुआ था कि 400 लाइक्स अगर 1 मिनट के अंदर नहीं आते तो वो इस काबिल ही नहीं है. यू आर ऑन द वाइजर साइड ऑफ थिंग्स नाउ. आई मीन यू कैन सी दैट व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग. लेट्स से कि अगर तुम आज वो होती जो वो बच्ची है तो व्हाट वुड बी समथिंग दैट यू वुड बी डूइंग डिफरेंटली knowing both the sides. तुम क्या मुख्तलिफ करती? तो जी मैं मुख्तलिफ ये करती and I feel कि आप सबके I don't know अम्मा अब्बा का कहना चाहिए या जिस माहौल में आप पले बड़े होते हैं उसका कहना चाहिए. मैं लेजी जो मैं कह रही थी वो मैं इस लिहाज से कह रही थी कि मैंने देखा है ये बच्चे कोशिश भी नहीं करते. मैंने बहुत दफा एक्सपोजर की बात की कि तुम लोग किताबें पढ़ो, ऐसी चीजें देखा करो जिससे तुम लोगों को दुनिया के बारे में पता चले या जो हिस्ट्री में हो चुका है हम पढ़ा करते थे. आई स्टिल रिमेम्बर दैट देयर यूज्ड टू बी मतलब देखो बहुत बड़ी बात है, हम छोटे बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन रीड डाइजेस्ट, नेचुरल ज्योग्राफिक, टाइम मैगजीन ये सब हमारे घर में आया करते थे और ये हमने पढ़ने होते थे. और वीकेंड के ऊपर बैठ के जब अब्बू घर आते थे काम से फारिग होते थे वीकेंड पे तो वो हमसे पूछा करते थे तुमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, रीड डाइजेस्ट में से कौन सा जोक. लाइक जैसे कि वन ऑफ माय ब्रदर्स इमरान, वो इतना ज्यादा नहीं शौक रखता था उस वक्त पढ़ने का तो वो जोक्स वगैरह, लेकिन अब वो हमसे पूछा करते थे कि तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, तो नॉलेज कुछ हम गैदर करते थे. मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे जो है दे सो हुक्ड ऑन टू द सोशल मीडिया कि वो ही मीम्स पढ़ लिए चार, या वो दे डोंट वांट टू एक्सपैंड देयर माइंड्स. एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम, द मेजॉरिटी. And you know they will pick up one topic and they will become, they'll be like very woke about it. Yeah, हाँ जी हमें तो ये भी पता है. कोई एक चीज होंगे और उसके पीछे पड़ जाएंगे और फिर वो खत्म हो जाएगा 4 दिनों के बाद और कुछ नई चीज. I'm just saying कि मुझे मैं कह रही थी ना कि solid कोई चीज नहीं है, thought process नहीं है किसी भी चीज के पीछे. एक भीड़ चाल है जिसके पीछे सब लग जाते हैं, उसी के ऊपर चार बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और बस फिर वो बातें खत्म हो जाती हैं. 4 दिन के बाद एक नया टॉपिक आ जाता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ रिलीजियस पर्सन जिसके पीछे आप पड़ गए हैं, या आप कोई फिल्म एक्ट्रेस है उसके पीछे पड़ गए हैं, या कोई स्कैंडल हो गया उसके पीछे पड़ गए हैं, या किसी ने कुछ कह दिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इधर से कॉपी पेस्ट करके उधर से कॉपी पेस्ट करके उसका स्टेटस उठा के उसका लगा के और बड़ा हो जाएंगे और फिर वो गायब हो जाएंगे. सो आई फील दैट यू नो किड्स नाउडेज आर नॉट रीडिंग इनफ, आर नॉट एक्चुअली अब्सॉर्बिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू देम. दे जस्ट रीड ऊपर 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 से और उसको आगे अपना बना के या यू नो जो अपने 2 पेनीज होते हैं वो ऐड करके. तुम्हारे पास ये बच्चे आते हैं जब तुम लोग इकट्ठे रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये बच्चे आते हैं तुमसे तुम्हारे पास कभी उन साइलेंट मोमेंट्स में जब कोई काम नहीं हो रहा होता उसमें डू दे कम अप टू यू एंड आस्क यू अबाउट थिंग्स हाउ टू डू अबाउट लाइफ दे आस्क मी दे आस्क मी के क्यों पढ़ रही है बैठ के लाइन क्या है, मतलब 5 मिनट में हो जाएगा सीन, क्या करना है, बस पढ़ लेंगे ना उसी वक्त, क्यों कर रही है बैठ के, क्यों मार्क किया हुआ स्क्रिप्ट, छोड़े ना ना दो आप हर वक्त बैठ के स्क्रिप्ट भी पढ़ती रहती है. क्योंकि मैं शूट पे आई हूँ क्योंकि इसी से मैंने पैसे कमाने हैं, क्योंकि मैंने एक्टिंग करनी है तो हाँ मैंने स्क्रिप्ट ही पढ़ना है, नॉट पोस्टिंग पिक्चर्स या मेरा मेकअप या था खाने में क्या है या बदतमीजी विद असिस्टेंट्स यू नो. तो मैं समझाती हूँ और they love me and they will always say you very honest, it's so nice. और लगता नहीं है कि आप आपसे बात करके ऐसे नहीं लगता, ऐसा लगता है आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं. लेकिन फिर मैं लेक्चर देना बंद कर देती हूँ, मुझे
पता चलना शुरू हो जाता है, शक्लों पे आना शुरू हो जाता है, ओह ना तो आप आ गई और अब आके ना रिएक्शन देने शुरू कर देते हैं. यू नो आई ट्राई कि मैं उनको बोलूं कि यू नो कुछ जिंदगी को अपनी बेहतर करो. और कई दफा मैं समझाने की कोशिश भी करती हूँ और भी अपनी कोई लाइफ अगर मेरे साथ डिस्कस करें कि देखो यार बट उनको सब पता है, उनको सब पता है और मुझसे ज्यादा पता है, उनको मेरी जरूरत नहीं, दे नो हाउ टू गो अबाउट लाइफ, सो इट्स ओके, दैट्स देयर वे. लेकिन मेरे ख्याल में उसमें एक चीज और जो आती है वो ये आती है कि आई थिंक इट इज अबाउट आवर सोसाइटी एज वेल. मुझे एक चीज पर्सनली फील होती है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते जनरली भी आजकल दुनिया में, लेकिन खास तौर पे हमारी जो सोसाइटी है पाकिस्तान में, जो अपनी देसी सोसाइटी, यू बिकॉज पीपल आर नॉट लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, पीपल आर जस्ट लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड. यानी कि वो आप तुमसे बात को शुरू करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि दिया जान बहुत आज सर में दर्द हो रहा है मेरे, तो तुम्हारा पहला जवाब है पैनाडोल खा लो, कॉफी पिए तुमने, कॉफी के अंदर जो है ना तुम साथ दो कोका कोला मिला के पी लो और उसके बाद जो है तुम सर पे ये कर लो और बाम लगा लो, ठीक हो जाओगे. नो वन विल आस्क कि तुम्हारे सर में दर्द क्यों हो रहा है. पता नहीं बिजी होते हैं या हम जान छुड़ा रहे होते हैं या वो एक हमने जुमला सीख लिया होता है कि जैसे हमें कोई कोई चीज बताता है हम उसके फौरन हल और सॉल्यूशंस बताना शुरू करते हैं ये कि हाँ ये यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा विदाउट इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो ये बड़ी अच्छी बात है. और मैंने रिसेंटली मेरी एक दोस्त बनी है जिसने मुझे बड़ी लाइफ में चीजें सिखाई हैं. ये जो मेरा होता है ना इंस्टेंटली जवाब दे देना, फौरन बोल देना किसी चीज के ऊपर, नो फिल्टर टाइप या फौरन में आप किसी का सोचे बगैर जो है मैं अपना अपना बोल देती हूँ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ. जैसे अभी रिसेंटली वी वर डूइंग आवर एक्सरसाइज सेशन और जूम का इसी तरह था, तो देयर वर लाइक सेवरल स्क्रीन्स, कोई 15-21, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल. तो मैंने एंड ऑफ द सेशन हम सब डिस्कशन करते हैं, एक छोटी सी पर खुदाफिस करते हैं, फिर लीव कर देते हैं रूम को. तो मैंने ऐसे ही बोल, उसके उसकी बेटी भी साथ में एक्सरसाइज करती है, छोटी सी है आफिया, तो मायरा मायरा मेरा नहीं. तो उसने मुझे कहा कि मैंने कोई बात की विदाउट रियलाइजिंग कि एक छोटा बच्चा जो है वो उस तरफ मौजूद है. तो मायरा ने मुझे कहा कि नादिया डू यू नो एवरीबॉडी कैन लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग. तो मैंने ये नहीं सोचा कि उसका बच्चा है वहां पे. मैंने कहा आई डोंट केयर मायरा एज इफ एंड देन आई लेफ्ट द रूम. Not thinking because it was about me. Okay, मैं फॉरन उसको जवाब दिया, बाद में मैं बर्तन धो रही थी तो मैंने मुझे ख्याल आया कि it's Myra and she probably, और मेरे जहन में आया कि पीछे आफिया खड़ी हुई है, तो मुझे मेरे जहन में आया कि it was not because of me, what I said, it was she telling me that I've got my child here. True. And then I realized, and then मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा I'm so stupid, I'm so sorry, and she said कोई बात नहीं बाजी आप बड़ी हो रही. I'm so, I understand what you say, you know, हम फॉरेन जो है उसके ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए मुझे तुमसे बात करती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे, तुम्हें मैसेज करती हूँ कि तोशी मुझे जरा ये एक्सप्लेन करना डिटेल में कि यू नो दिस, एंड यू ऑलवेज रिप्लाई विद अच्छा तो ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, तो सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक आई वाज टेलिंग यू नो यू माय काइंड ऑफ लाइक सैनिटी रॉकर, यू गिव मी द राइट थिंग टू से. अभी तुम बता रही थी कि तुम्हारी एक नई दोस्त बनी है, ये जान तुम दोस्त बहुत आराम से बना लेती हो, तुम्हें तुम्हें इस चीज का एहसास है? यहाँ पे मेरी आईब्रो देखिए जो एक साइड से बिल्कुल को चली है. मैं दोस्त बहुत आसानी से बना लेती हूँ. मुझे कुछ लोग अगर अच्छे लग जाए तो फिर वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरीके से जो है मैं अच्छी दोस्त बनूँ, अपनी जो कुछ मैं उनके लिए कर सकती हूँ मैं करूँ, और लोग भी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं. लेकिन तोशी मेरी तुम्हें तो पता है एक बहुत ही बुरी आदत है, मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ, या तो है तो फिर इतना है कि जान फिदा और सब कुछ दिन रात और फिर सब कुछ सही भी करना है और हर मामले में घुसना भी है. और फिर जब मेरा दरवाजा बंद होता है ना, और वो हुआ है बहुत सारे लोगों के ऊपर, फिर वो बंद हो जाता है, फिर मैं दोबारा नहीं मुड़ती. आई गेस मैं You know, my mother says to me कि तुम अपने आप को इतना exhaust कर लेती हो कि there comes a point कि जब आपको शायद उस वक्त मेहनत करनी चाहिए अपनी दोस्ती बचाने के लिए या relationship का, तो तुम वो नहीं करती हो तब, क्योंकि तुम पहले इतना कुछ कर चुकी हो. तो मैं आदमी को हमेशा ये कहती हूँ
कि जब मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ तो अगला अंधा है कि उसको नजर नहीं आ रहा कि ये नहीं करता था. सो या अभी बल्कि यू नो कल मैं और जोड़ी बात कर रहे थे, वी वर वॉकिंग थी, तो मैं और जोड़ी बात कर रहे थे क्वारंटीन के अंदर, हमें क्वारंटीन के अंदर क्वारंटीना में बैठ के हमें ये बहुत कुछ पता चल गया है कि हमारे असली दोस्त कौन है. मुझे मैंने रियलाइज किया है कि कौन है जो सर्फेस पे फ्रेंड्स थे और कौन है जो एक्चुअली हैं, जो मौजूद हैं, जिन्होंने मुझसे हाल भी पूछा, जो मेरे साथ, और मैंने रियलाइज किया कि जो मेरी इतनी बड़ी दुनिया है दोस्तों की, उसमें से बहुत कम है जो कि, एक तो होता है ना कि हेलो क्या हाल है, हाउ आर यू टाइप का, बट देन यू नो पीपल हु बीन देयर, हु बीन आस्किंग नॉर्मल कि दिन कैसा गुजर रहा है, खाया नहीं खाया, कपड़े धुले नहीं धुले, ये हुआ कि नहीं हुआ, और वो तो मेरे सिर्फ दो तीन निकले. मैं बड़ी हैरान हुई डिस्कस कर रहे थे कि ये गुड मॉर्निंग और बस सुबह एक गुड मॉर्निंग, क्या हाल, हैव अ हैप्पी डे, स्टे पॉजिटिव, और फिर उसके बाद गायब. तो वो कहाँ गए वो दोस्त जो सारा वक्त साथ बैठे होते थे और हर वक्त आपके साथ ही जुड़े होते थे, तो वो बहुत कम है. खुशी वेरी फ्यू पीपल. ट्रू. तुम एक्सपेक्ट कर रही थी, वर यू लुकिंग आउट फॉर पीपल, फ्रेंड्स टू अप्रोच यू एंड आस्क यू हाउ यू आर डूइंग? नो, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे पास तरीके हैं, हमारे पास जूम है, हमारे पास वीडियो कॉल, तो मैंने शुरू में की थी, बट देन मैंने रियलाइज किया कि नहीं नहीं, और ये नहीं है कि मैं बिजी नहीं, मैं कैथरीन नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने वाला है, मैं घर में बहुत सारे काम कर रही होती हूँ, मैं बैठी थी, बट इट टेक्स लाइक 5 मिनट्स टू वीडियो कॉल अ पर्सन एंड से कि यू नो जिस तरह आपको मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, कहाँ है, वेर आर दोस पीपल, लाइक इट टेक्स 5 मिनट्स, यू सेंड अ वॉइस नोट और यू मैसेज, यू नो आई एम वेरी लाइक वॉइस नोटी, हर वक्त मैं वीएनस भेज रही होती हूँ, एंड आई डोंट नो, आई एम जनरली लाइक अ पर्सन हु शेयर्स एवरीथिंग, लाइक आई मेक अ वीडियो एंड आई विल सेंड इट टू सर्टेन पीपल, लाइक मेरे इफ जोडी इज नॉट होम आई विल सेंड इट टू जोडी, आई विल सेंड इट टू अम्मी एंड शाजिया, then I'll send it to Akil and I'll send it to Sarman and Saim, yeah, Obed. But then I've realized, you know, कि आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि who's interested, who's even looking at the things you do, or and why are you sharing this with certain people when they don't even like probably watch it or respond to it, and it's like normal daily life की चीजें जो आप share करते हैं. I want मुझे जैसे तुमने मुझे उस दिन Serene की videos भेजी, I have seen them a million times and I love it. सुमेरा मेरी भाभी है, वो मुझे चीजें भेजती है कि आज मैंने ये पकाया तो मुझे बड़ा खुश होता है, हाँ मैं भी आज ये ट्राई करूंगी. यू सी इट्स दैट थिंग व्हिच वी यूज्ड टू डू ऑल द टाइम, बट आई डोंट नो क्वारंटाइन में होने का मतलब ये तो नहीं कि आप क्या खत्ता है अस्तवार कौन सी होती है उससे गायब हो जाए, आप दुनिया से गायब हो जाए. आई हैव रियलाइज दैट वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली केयर मोर देन गुड मॉर्निंग हैव अ वेरी पॉजिटिव डे. मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा इस सब चीज से ओवरवेलम हो गया है तो शायद इसमें उसकी अपनी लिमिटेशन है. सो दिस इज द थिंग दैट हैपेंस इन टर्मोइल, इट ब्रिंग्स आउट. दोषी घटिया हरकत है ना, घटिया बात है. मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करती. देखो मैं बहुत अमीर नहीं, ठीक है ना, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, मेरा काम बंद हो गया है, मेरी सेविंग्स जो थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ये महीना निकलेगा मेरा अकाउंट खाली होगा, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे किन 4-5 लोगों का ख्याल रखना है, और अगर मेरे पास 4,000 रुपए हैं तो उसमें से और मेरे पास 4 हैं तो ठीक है यार, मैं महीने के बाद देख लूंगी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर मेरे किसी दोस्त को 2,000 रुपए की जरूरत है तो मैं उसको वो 2,000 दे दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास 4 है और मेरे घर में सब कुछ है, ठीक है ना. लेकिन मैंने मैं नाम नहीं लेना चाहती, दिल तो चाह रहा, मैंने ऐसे दोस्त भी देखे हैं जो डे वन से इस तरह के हो गए हैं कि हम तो बहुत मुश्किल में हैं, वो पहले से एक मैसेजेस नहीं आने शुरू हो गए कि हमसे ना कहीं कोई कुछ मांग ले या हमें ना कोई कुछ कह दे, पैसे जमा करके रखें, पैसे सेव करके रखें, अपनी बचत खुद करें, हम तो बस ये कर रहे हैं, हमारे से वो एक 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 मैसेज होता है जो आपको आना शुरू हो जाता है कि मैंने तो नहीं कहा कि मैं तुमसे मांगूंगी या मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और अगर हो भी तो इसमें कौन सी बुराई है. लाइक माई मदर इज सो स्वीट, अम्मी को मैंने कहा कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है तो मैं कपड़े हाथ से धो रही थी, मैं धोबी को देती हूँ, कैथरीन होती थी छोटे मोटे, अब वो मुझे धोने पड़ रहे हैं तो मेरी तबीयत साफ हो गई है, और एक मैं इसके बाद में बड़े मजे की कैथरीन की बात बताऊंगी. सो मैंने अम्मी को कहा तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम मुझसे, मैं तुम्हें पैसे भेज रही हूँ, तुम वॉशिंग मशीन खरीदो, क्यों नहीं खरीद रही. तो मैंने कहा कि अम्मी
इट्स ओके, पता नहीं अभी अम्मी ने कहा पता नहीं कितने महीने चलेगा, तो तुम वॉशिंग मशीन खरीद लो और फिर मैं पैसे, मतलब एक मेरी माँ है जो कि इतनी जेनरस है. देन आई नो कि अकील जो है मेरा फ्रेंड, उसका बिजनेस बहुत, अब जिम सारे बंद है, वो जा रहा है, लेकिन उसके पास खुद के पास पैसे नहीं है. लेकिन उसने मुझे कहा, मेरे पास थोड़ी सी सेविंग है, आपको अगर चाहिए तो आप मुझसे ले लेना. मैंने कहा तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे 10 बजे, उसने कहा कोई बात नहीं हो जाएगा. सो देन देयर आर पीपल लाइक दिस आल्सो, एंड यू नो, एंड मायरा ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन है तो अपने सारे कपड़े मुझे दे दिया करो और मैं धो के तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी. आई वाज लाइक वाओ. एंड देन वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, कि हम तो थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, आप ये जो केक बना रही हैं और आप ये जो इतने एलैबोरेट खाने बनाती हैं, ये ना करें क्योंकि आगे जाके आपको पैसों की. मुझे फील मिल रही है कि ये कौन हो सकता है. अच्छा, और मजे की बात ये कि पीपल यू डोंट एक्सपेक्ट, लाइक माय ब्रदर इमरान, जिससे मतलब ये बहुत दोस्ती है, लेकिन हमने कभी पैसों का लेन देन नहीं किया. He calls me and he says to me, he's in Abu Dhabi and his mashallah, his job is very good and he mashallah makes a lot of money. So he said to me, ke, should I send you some money? And I said, why? He said, because tum kaam nahi kar rahi ho, to main tumhe paise bhej do, tumne rent wagaira dena ho ya. To maine kaha, no Imran, I'm good right now. So you know, mujhe isme pata chala ki, and it's not only about money, it's also about people who genuinely care and you know, ask you, ke, are you doing okay? Tumhari shakal sahi nahi lag rahi thi when we video. जैसे तुमने कहा कि तुम दरवाजा भी बड़े आराम से बंद हो सकता है, तो what does one have to do to experience that bang on the face? तो शिव, मेरे लिए ना लॉयल्टी बड़ी वो है, मैं बड़ी लॉयल होती हूँ, मैं मुझे ये होता है कि, और मेरे लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आई थिंक एंड आई एम नाउ अंडरस्टैंडिंग दैट नॉट एवरीबॉडी इज लाइक मी. वो जो एक होता है ना कि मैं सब बातें शेयर करती हूँ, और दूसरा ये कि अपना जो इनको मैं अपना क्लोज समझती हूँ, और दूसरा मैं ऑनेस्टली हर बात कर देती हूँ. जैसे अगर मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें कहूंगी कि तोशी तुमने मुझे क्यों नहीं एक महीने से जवाब दिया, और ये क्या बकवास है, और क्यों नहीं तुम जवाब दे रहे हो, क्या इज देयर समथिंग रॉन्ग, मैं पूछ दूंगी. सो ये जो कुछ लोग हैं ना, इनके साथ मेरी जिंदगी में ये मसला हुआ है कि दिल के अंदर बहुत सारी बातें थी, शायद खौफ से नहीं बोली या पता नहीं किस वजह से नहीं बोली, और फिर वो जो ज्वालामुखी फिर फटे है ना, और फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये था, ये सोचा गया था मेरे बारे में, मैं इतनी घटिया ये मैं कर रही थी, लेकिन मैं तो यूं सोच रही थी और मैं तो इसी का भला चाह रही थी, इसलिए मैंने मना किया या इसलिए मैंने रोका, या वो एक है ना मेरे अंदर माओ वाली और बड़ी बहनों वाली कि नहीं ये मत करो और ये बकवास है और ये गलत है, और फिर मैं पुश करना शुरू कर देती हूँ कि नहीं 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 नहीं, और व्हाई यू डूइंग दिस, व्हाई यू डूइंग दिस, बिकॉज मुझे पता होता है क्या, और वो होता है बाद में. लेकिन फिर मैंने आई हेट इट, लाइक मैंने सरमत को पिछले दिनों कहा, मैंने कहा सरमत तुम्हारे दिल में भी अगर मेरे लिए कोई वैनम है या तुम मेरे बारे में कुछ सोचते हो जो, या तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स हैं जो कि तुमने आज तक मेरे मुंह पे नहीं बोले, तुम मुझे यहाँ बिठा के बोल दो, हम उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे. मेरा हमेशा ये होता तोशी कि अगर हम वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर लेना और बैठ जाए हम बात कर लें, तो आई एम ओपन टू दैट कि ठीक है यार तुमने जो मुझे कहना है तुम मेरे मुंह पे कह दो, मैं उसको सॉर्ट आउट कर, शायद मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा लगे लेकिन फिर मैं उसको सॉर्ट आउट कर लेती हूँ. लेकिन ये जो मेरे पीछे जाके इधर उधर की बातें होती है ना, ये मुझसे बर्दाश्त होती, मुझे ये होता है कि यार मैं हूँ, इट्स मी, टॉक टू मी. You want to say that I am a bad person? You say it to my face, I will try to fix it. But you go and say it to 7 different people and you don't say it to me, and on my face you're like, oh, you're so sweet, you're so nice, I love you. Bas ho jati hai meri. Lekin ye to bahut common hai diya. It's very common, nahi? Ye cheez to itni common hai ki agar अगर हम इस चीज के ऊपर जाना शुरू करें फिर तो शायद किसी से भी उससे हम आपस नहीं तो खुशी. मुझे नहीं लगता कॉमन है, मुझे लगता है कि मेरे सारे दोस्त मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार होंगे. मतलब मेरा तो वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो आप दोस्तों से पूछते हो कि अगर गोली लग रही हो तो तुम इसको बचाओगे, ये वो वाला है ना. और मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ मुझे पता है कि मैंने क्या होता है, नहीं नहीं मैं इसके सामने छलांग मार दूंगी या सॉरी मैं तुम्हें नहीं बचा सकती. एक दफा किसी ने, हम लोग ये गेम खेल रहे थे कि पहाड़ से अगर किसी ने नीचे गिरना हो तो समथिंग लाइक दैट, तो सरमद ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि सरमद मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी क्योंकि
तुम काफी केपेबल हो, सर मैं बहुत ऑफेंड हूँ इस चीज से, क्या मतलब है आई एम बेस्ट फ्रेंड, मुझे नहीं और आप इसको बचा लेगी. तो मैंने कहा हाँ इससे, क्योंकि आई फील दैट दिस पर्सन नीड्स हेल्प एंड वुड नॉट बी एबल टू सेव हरसेल्फ बट यू. हाँ एग्जैक्टली. तो मैं सरमत, तुम अच्छा सरमत को तुम बचाओगी या उबैद को? मैं क्वारंटाइन के बाद तो सरमत को बचाऊंगी, उबैद को मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगी क्योंकि वो अपने आप को खुद बचा रहा है. यार कितने अच्छे दिन थे ना दिया जान, और मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों की दोस्तियां आपस में हुई है, मैंने अपने सामने देखी हैं, और वो एक चीज है ना कि हम बढ़ते गए और काफला बनता गया, लिटरली आई हैव सीन दैट विद माय ओन आईज, के पिवट कहता हूँ ना मैं तुम्हें, यू नो यू हैव बीन द पिवट ऑफ द द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनको मैं जानता हूँ, और उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो मुझसे पहले भी थे, जब मैं जब से मैं तुम्हें जानता हूँ, उसके बाद इतने लोग आए एंड फॉर सम रीजन दे जस्ट जेल इन टुगेदर without any effort, and this is very strange because aisa nahi hota ki itna bada group of people they are on the same frequency when they meet on their own, but in your presence for some reason, this is my opinion, that everyone is on the same frequency, and it's a gift, I think. I'm sure it's a gift. To wo main to bahut miss karta hu un dino ko. Tumhe kabhi loss lagta hai? जैसे आज एक एक जमाना था, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि एक जमाना था कि हम लोग तकरीबन हफ्ते के 7 में से 3 दिन इकट्ठे होते थे, या हफ्ते में 1 दिन कम से कम हम जरूर मिलते थे और खाते पीते थे इकट्ठे और मजा करते थे. मुझे तो लगता है कि सम टाइम्स यू नो इतना टाइम इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इमोशंस, टाइम दोस्तों के साथ, और आज वो दोस्त मेरे पास नहीं है. आज अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं पिछले 10 साल पहले की जिंदगी या उससे भी 10 साल पहले की जिंदगी, यार एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया के अंदर हूं मैं, एक डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर, और मुझे एक सेंस ऑफ लॉस होता है जो आज मेरे पास है अराउंड मी. इट्स ब्यूटिफुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता नहीं है कि जब जब दोस्त चले जाते हैं तो एक यू नो दैट सेंस ऑफ हाउ डू यू डील विद दैट? आई जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. मैं पता है पिछले दिनों ये सोच रही थी और मैं ये बात भी कर रही थी कि मेरी ना मेरी आई डोंट नो आई वाज इन अ फ्रेम ऑफ माइंड और व्हाट, मेरी बहुत लड़ाई हुई, तो मेरी अकील से लड़ाई हुई, मैंने अकील से बोले तुम्हारी ऐसी की तैसी और फलाना टाइप की. अच्छा मेरे साथ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे यंगर हैं, सो दे ऑल कॉल मी आप, सो वो लड़ाई में भी तमीज रखी जा रही थी. तो मैं आई गॉट वेरी इमोशनल एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड कि यार आई लाइक आई हैव वेरी फ्यू एप्पल्स लेफ्ट, लाइक आई फील लाइक आई एम अ ट्री एंड आई हैड ऑल दीज एप्पल्स ऑन इट एंड यू नो सम ब्रॉट इट अवे, सम फेल, सम वर पिक्ड. सो मैं उसको इस तरह देखती हूँ कि पता नहीं एक मेरे बहुत सारे एप्पल्स थे मेरे दरख्त पे और वो आहिस्ता 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 कम हो गए, अब एक का दुक्का एप्पल्स रह गए हैं, कुछ बहुत राइप हैं, कुछ ग्रीन टाइप के हैं, अभी राइप हो रहे हैं विद माय यू नो आवर रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप. तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरे इतने कम एप्पल्स रह गए हैं एंड आई डोंट वॉन्ट कि मेरे और एप्पल्स गिरे और या मेरे यू नो एंड आई रियली फील दैट. तुम इमेजिन करो कि एक ग्रीन का पता नहीं मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि इस तरह दरख्त है और वो बहुत भरा हुआ है हरे हरे पत्तों से और डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन है और उसके अंदर इतने सारे एप्पल्स लगे हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाए बस तुमका तुमका रह जाए. तो या आई फील देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू बी लाइक यू नो हम लोग कितने 14-15 लोग इकट्ठे होते थे, हर किस्म का इंसान, हर हर कमाश का, हर सोच का, and we would be together and we would have so much fun. So wo ab hai kam hai lekin I am grateful ki jo hai wo hai to sahi na aur jo reh gaye wo hai main koshish karti hu ki rahe but theek hai toshi that is life. ab kya kar sakte hain aap logon ko bandh ke nahi rakh sakte hain aur aap logon ko main bahut koshish karti hu abhi bhi main bahut koshish karti hu ki you know I try to कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, हम सब इकट्ठे बात कर लें, हम सब मिल बैठ जाएं एंड आई वांट पीपल टू कम टू माय हाउस एंड यू नो वी ऑल सिट टुगेदर. एक दूसरे से बात कम हो गए
बट है अभी भी, एंड आई एम श्योर के जैसे तुम जब आते हो ऑस्ट्रेलिया से तो हम मिलते जरूर है, या तुम मैं फरहान जोड़ी हम मिल लेते हैं, आई गेस आपस में भी वो जो एक हाँ व्हेन दे आर टुगेदर अंडर माय अम्ब्रेला पीपल आर ओके, बट व्हेन दे आर जस्ट वन ऑन वन सो आई गेस दे आर नॉट उस तरह जेल नहीं हुआ. तुमने खुद ही कह दिया अंडर माय अम्ब्रेला. एक और बड़ी मजे की सवाल, एक और बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जो कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि तुम बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकती हो इस पावर को जो तुम्हारे पास है. द सेम वो फ्रीक्वेंसी की जो मैं बात कर रहा था और अब भी तुम बता रही हो कि इतने तुम्हारे दोस्त रहे हैं, आई मीन जब व्हेन यू हैव दैट ग्रुप ऑफ एनर्जी अंडर योर अम्ब्रेला देन यू कैन इजीली बिकम अ गॉडेस व्हिच यू हैव बीन इन अ स्पेसिफिक एंड सर्टेन वे. लेकिन मुझे तुमसे कभी भी वो एनर्जी फील नहीं आई वेयर यू आर नॉट मैनिपुलेटिव. तुम बहुत मुंह फटो उसमें कोई शक नहीं है, तुम मुंह पे बात करती हो व्हिच इज गुड जो तुमने खुद ही कह दिया. और आई डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ यू मैनेज ऑल दीज फ्रेंडशिप्स और ये सब एनर्जी को. लेकिन कभी तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी फीलिंग आई है दैट यू हैव दिस पावर टू एक्चुअली एक्सरसाइज this mass manipulation of so much love and energy. Hey, Tushi, kitni achhi baat kar rahe ho. Nahi, Tushi, ye kabhi nahi hua. I don't know why ye kabhi nahi hua. Ha, lekin mujhe ye zoom kehte hain, kya kehte hain? Ek zamane mein mujhe ye zoom hua tha ki main agar kisi ko ye keh dungi apne kisi bhi dost ko, to wo meri matlab hota na ki aapko aapka maan hota hai kisi ke upar. Aapko ye hota hai ki meri baat nahi rakhogi. So, हाँ, वो मुझे कभी फील हुआ और जब वो नहीं हुई तो मैं बड़ी डिस्ट्रॉय हुई. मैंने कहा यार ये तो मैं थी, मुझे तो कहा था कि आप तो जो कह देती हैं वो ही होता है. एंड I'll be very honest about it. This happened when Jodi had a falling out with one of his friends, Aliya sir. And I called Aliya. मेरा कोई फड्डा नहीं था, मैंने अली को कॉल की. It was me calling. Nadia Bachi was calling. And I called. And I said कि तुम बकवास अपनी ये खत्म करो और तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम ये और एक मदीन है तो तुम ये क्या कर रहे हो, तो चलो बात करें. वो बहुत हर्ट हुआ एंड ये जो भी मसला है हमारा बीच में से हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम आओ और हम बैठे. एंड ही सेड नो. आई लॉस्ट, समझ नहीं आई बिकॉज नोबडी हैड सेड नो टू मी लाइक दैट. एंड ही सेड नो एंड आई कुडंट, आई लेटर ऑन आई अंडरस्टूड मे बी यू नो आई डोंट नो. बट मेरा 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 बड़ा मान होता है दोस्तों के ऊपर, वो मेरी बात मानेंगे और वो मानते हैं. अक्सर लोग मेरी बात मान लेते हैं कि हाँ अच्छा चलो ना देने का तो हम कर देते. सो नहीं, अब मुझे अपने आप गॉडेस कभी फील नहीं हुआ. मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे लगता है मुझे इन सब लोगों की जरूरत है. दे कीप मी हैप्पी एंड सबकी एनर्जीज और सबकी एक लाइफ, उससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है. यू नो दे शेयर द थिंग्स विद मी और मुझे बड़ा होता है क्या अच्छा उनसे मशवरा लेते हैं. So no, I enjoy that. I guess वो मेरा OCD भी है ना. I like sorting out things and putting things in perspective for people and all. कि चलो otherwise ज़िंदगी ठीक करते. सर बहुत मुझे कहता है आपने जो projects पकड़े हुए होते कभी एक project कभी दूसरा project आपके तो project ही नहीं खत्म होते. Exactly. और उसके मैं यही समझता हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स की रीजन भी यही है या जान के यू आर अ गुड लिसनर, तुम सुनती अच्छा हो. मैंने तुम्हें सुनते हुए देखा है लोगों को फॉर आवर्स एंड मे बी फॉर वीक्स एज वेल. यानी वही वाली बात होती है ना कि आप बस कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो आप उसको कहते हो कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो. लेकिन बाजी तो उसी बड़े थेरेप्यूटिक रहे हो एक जमाने से, मेरा मतलब क्या है ना बस की तरह, यू नो इट इज फ्रॉम गॉड अबव. तुम मुझे एक और बात लगती है इस सब दूरी के बावजूद दिया जान, आई नेवर फील दैट यू नो आई एम अवे और फार अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया और तुम उसको बहुत आई थिंक कॉन्शियसली रेगुलर और खूबसूरत रखती हो. तो उससे मुझे लगता है कि यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. कभी भी दिया जान की जिंदगी के एस्पेक्ट्स मेरी नज़र से ओझल नहीं हुए, मुझे नजर आते रहते पैसिवली. तो इसलिए मुझे लगता है अब मैं मोस्टली जो है उसके ऊपर कभी कमेंट नहीं करता या उसको लाइक नहीं करता. तो क्या तुम्हें लगता है कि आई एम नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं.
तुम शेयर करो। मुझे नहीं लगता, आई टेल यू, मैं पहले फेसबुक पे इतना नहीं किया करती थी, फिर मैंने ये सुनो चंदा के बाद इंस्टा ज्वाइन कर लिया, मुझे कहा कि अच्छा मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे कर लिया, शूट पे ही थी आई थिंक, एंड देन आई फाउंड इंस्टा टू बी वेरी इजी टू यू नो पोस्ट अ पिक्चर और मेक अ वीडियो, या अगर मैं कभी कर रही हूँ मैं बताती हूँ, मैं सारा दिन वीडियोज भेजती हूँ भाभी को, अम्मी को, समत को, वकील को, इन सब लोगों को, आई एम शेयरिंग वीडियोज के ये हुआ, किसी ने ये किया, जोड़ी को भेज रही हूँ, सो फिर वो मेरे पास वीडियोज पड़े होते, सो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी to upload. I'm still very private and I don't like put up pictures of like yeah, jo meri kuch personal cheeze hoti hai which I don't feel like sharing with everybody out there in the world. But yeah, agar mujhe ghar ka koi hissa acha lag raha hai, main keh rahi hu so house proud, kitna pyara lag raha hai mera lamp aur mera ye sofa, to main uski tasveer you know laga dungi, ya main baithi hungi ek mindless sa wo jo tum keh rahe ho na ki bahut thought process hai, wo nahi hota. Haan, agar kabhi kisi cheez ki promotion karni ho ya koi mujhe keh de ye something which is close to my heart, jis pe mera dil phat jata hai ki ye kyun kaha hai kisi ne, to main fir usko bahut tareeke aur tameez se ya main khali wo cheez share kar deti hu, ya agar main uske upar kuch add karna chahu to main kar deti hu, but not as such, not no planning or anything, but yes I like to like kind of because pehle main nahi karti thi aur fir mujhe mere fans ke jo ke mostly suno chalta tha, ये जो मेरा इंस्टा है और इस पे जितने भी फॉलोइंग है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि वो जितने भी हैं वो सारे सुनो चंदा के फैंस हैं, सो वो मुझसे इतने सवालात पूछते हैं, आफ्टर द समीना पीरज़ादा इंटरव्यू यू हैव नो आइडिया, तोशी पीपल रियली वांटेड टू नो व्हाट वाज लाइक एंड वुड आस्क मी फॉर मशवरा, तो वो जो मेरा एक था ना वो जो दोस्तों को मशवरे देने का, तो मैं लोगों को भी दे देती हूँ, कभी कभी अपना डीएम खोलती हूँ तो किसी ने मुझसे पूछा होता है कि मेरे मियाँ ने मेरे साथ ये किया है या आई वॉन्ट टू वर्क यू नो, so I take out time and you know I write a message and I feel ki, you know when people sometimes people just need a good positive word, so it's okay if I send them a like or I say ke this is very nice, yeah they make videos of whatever I like Shahana's character they send me or ask me a question, to main de deti hu, main kisi baithi bhi to hu farig Netflix dekh rahi hu usse behtar hai bechare jo mein fans hai sweethearts wo mujhe message karke itni duaen de rahe hain to main unko जवाब absolutely बिल्कुल I don't think you know कि नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, यकीनन देना चाहिए, वो कनेक्टिविटी जो है that's worth a thousand beats, वो इंटरव्यू तुम्हारा बहुत खूबसूरत है दिया जान, वो मैंने भी देखा था और it was very organic और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, लेकिन उसमें apart from you opening up and you being yourself and you sharing your life beauties with everyone, I think उसमें समीना पीरज़ादा का भी बहुत हाथ था, यू नो द वे शी कनेक्ट्स विद हर गेस्ट एंड शी हैज अ ब्यूटीफुल ऑरा एज़ वेल, शी इज अमेजिंग, और तुम्हें पता है ना हम समीना का हम कितना उनका वो करते हैं, वो जो उनका जिंदगी और मौत, और वो हम लोगों ने बहुत एक जोक बनाया हुआ ना कि वो हमको इस तरह के सवाल आते हैं, तो मुझे बड़ा दरख्त पे चढ़ी थी, तो मैं तो कि मेरे से ये सवाल ना पूछना या क्या था बचपन और जिंदगी और वो इस तरह की पूछेगी, लेकिन तुम्हारे साथ तो बात होता है, तो चलो आप बातें करेंगे। सुनो चंदा जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी एक बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं होती आज तक, और ये कि यू प्लेइंग फरहान्स मदर। अच्छा देखो ये तो मैं बहुत दफा समझा भी चुकी हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को ये बताती हूँ, देखो जनरली इन व्हेन यू टॉक अबाउट फिल्म एंड ड्रामा एंड टीवी और ये आज से नहीं है, सदियों से है जब से शुरू हुआ ये सिलसिला कि जो औरतों की स्क्रीन एज है वो कम होती है, ये हम सबको पता है, यू नो अमिताभ कहाँ से लेके चलेंगे, उनकी हीरोइंस जो है वो माएँ बन जाएंगी, लेकिन वो 18 साल की लड़की के साथ शाहरुख काजोल और कहाँ और माधुरी और उससे पहले और फिर आपको ये अनुष्का एंड यू नो ऑल दीस लिटिल वंस आलिया भट्ट इमेजिन, तो यू नो आपकी जैसे औरतों की स्क्रीन एज एक तो कम होती है, दूसरी कैरेक्टर्स रोल्स बहुत कम लिखे जाते हैं और मैंने हमेशा इस चीज को मैंने जिंदगी में बहुत पहले ये बात समझ ली थी कि मैं एक तो मैं शुरू से हीरोइन नहीं थी कभी भी, मैंने किसी मैं बहुत कम ड्रामों में कोई यू नो इस तरह का कोई रोमांटिक वो जो एक इमेज होता है एक हीरोइन का वो किया, मोस्टली कैरेक्टर रोल्स के कॉमेडी की
तो मेरा एक वो भी था और मेरे लिए समझने में ज्यादा आसानी हुई, जिससे मेरा जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड था ना वो सही रहा, क्योंकि मुझे एज कभी एज सच वो नहीं लगी. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ओ गॉड मैं क्यों इसकी माँ बनू, या मैंने हमेशा ये सोचा मैं एक एक्टर हूँ एंड दैट इज इट. अगर मुझे 80 साल की औरत बनना है या नुमान एजाज की माँ बनना है और वो मेरा कैरेक्टर है और वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो दैट इज अ रोल आई एम प्लेइंग एंड आई विल डू इट. मैं सबा कमर की माँ भी बनी और आज से 10 साल पहले बनी. मैं अफान वहीद की माँ भी बनी. मुझे कभी इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने ये देखा कि मुझे साड़ी पहन के दरख्तों के इर्द गिर्द बारिश में मैं ना वो हूँ और ना मुझे इस उम्र में वो रोल्स मिलेंगे कि मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि नहीं जी सॉरी मैंने किसी की भाभी नहीं बनना, सॉरी जी मैंने किसी की माँ नहीं बनना. यही काम मैंने करना है, इसी से मैं कमाती हूँ और यही मेरे रिस्क कमाने का जरिया है एंड दिस इज समथिंग दैट आई लाइक डूइंग एंड आई लव एक्टिंग. सो मुझे इसमें कभी कोई ठीक है यार मैंने ये वाला रोल भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. सो आई टेक इट एज अ कैरेक्टर. लाइक अभी जो रमजान का प्ले बन रहा था हम टीवी का, वो रुक गया बिकॉज ऑफ द कोरोना थिंग और अब दोबारा से सुनो चंदा लग रहा है. सुनो चंदा की किस्मत नहीं आया थर्ड सीजन, लेकिन यू नो सो उसके अंदर दे वॉन्टेड मी टू प्ले अ दादीज कैरेक्टर एंड अ दादी टू एंड अ मदर टू फरहान अली आगा, जिसकी मैं सुनो चंदा में बीबी बनी हुई थी. अ मदर टू फरहान अली आगा एंड अ दादी टू अरसलान, जो ये नहीं सीबीए वाला बच्चा, हिम एंड देन अली सफीना. इमेजिन. सो देन आई सेड टू देम, आई सेड कि फिर तो मुझे प्रॉपर गेटअप दो. दे सेड कि नहीं बस ऐनक लगा के ना बाल वाइट कर लेंगे. पागल तो नहीं हो गए, दिमाग खराब हो गया. सो द डायरेक्टर सेड टू मी के लोगों तो पता है ना कि आप नहीं है, बस ठीक होता है, कुछ नहीं होता, कर लेंगे, कौन सा असल में होगा, आप गेटअप भी कर लेंगे तो सबको पता है तो है तो नादिया अफगानी ना. सो मुझे नहीं फील होता खुशी. सो आई एम गुड विद, आई एम गुड, आई कैन प्ले एनीबडी बट एज लॉन्ग एज द कैरेक्टर इज गुड द रोल इज गुड आई डोंट माइंड. तुमने किया फिर वो? नहीं वो मैंने 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 कहा, मैंने कहा अगर प्रॉपर गेटअप दोगे. आई डिस्कस्ड इट विद शर्मा एंड आई सेड कि लाइक मुझे फिर समझ नहीं आया, वो पूरी एज हो यार, इफ यू गोइंग टू प्ले 70 ईयर ओल्ड देन यू नीड टू लुक लाइक अ 70 ईयर ओल्ड. यू कैन नॉट जस्ट डू एनक एंड डू थोड़ा सा वाइटनर बिकॉज देन यू विल नॉट लुक लाइक अ 70 ईयर ओल्ड. You have to make your walk that way. You have to have that kind of voice, and then you know, सारा वो अपना. मैंने कहा हाँ, but then फिर मैंने मना कर दिया. मैंने कहा because then I got another script एक और मुझे मिला and that was a phenomenal script और क्या आला character था. But वो अब शायद जब ये corona खत्म होगा तो फिर इसका corona खत्म होगा तो फिर हम करेंगे. Instagram या Facebook? I think Facebook. मैं अभी भी Facebook ज़्यादा use करती हूँ. Like if I read something या कुछ, you know, actually कुछ देखना हो या वो. Insta तो बस ऐसी आपने फिर, मैंने कभी वो भी नहीं खोले. Insta पे मुझे एक आते हैं ना जो सबके videos लगे हुए होते हैं या कुछ होता है. Trevor Noah मैं देखती हूँ, Daily Show में उसका देखती हूँ. So वो मैं IGTV खोल लेती हूँ, तो keep watching आ जाता है. तो that has that. Come on, but Insta. As such, like, yeah, you can post your things and you can post your pictures and stuff and whatever, like, stories. But I find Facebook to be more my place where I can browse through it, you know, if I want to see something. Good. Dimaag ki baat hai ka. Theek. Insta is very Insta. Instant. Isme koi shak nahi. To phir hum direction kab kar rahe hain dobara? हाय तोशी, अभी मैंने कल वीडियो देखा अपना शाम ढले जो मैंने सीरियल किया था उसका ओएसटी मैंने देखा और मैंने देखा कि मैंने कितना खूबसूरत हो मैंने और खिजर ने, खिजर जो हमारा डीओपी है, इस कदर वो खूबसूरत प्ले शूट हुआ था. उसकी कहानी भी इतनी अच्छी थी और मैंने आई वाज लाइक यू नो इतने सारे ड्रामे रिपीट हो रहे हैं, जियो रिपीट्स दैट. It was actually a very good serial and I loved doing it and I love the way it was shot. Itna khoobsurat banaya tha aur itna acha tha aur maine itni mehnat ki thi usme. Then Parlor wali ladki I did, jo ke pata nahi ek aur koi thappa sa lag gaya usko. 76 episode pe wo ruk gaya because goal band ho gaya. So mujhe aur mujhe itne messages aate hain, I cannot tell you. I did not know ke wo ek goal ka fara to chalo uska OST to ho gaya hit, but I never knew that people would actually love that play so much. मुझे अभी तक और इंडिया से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि पार्लर वाली लड़की के आगे एपिसोड्स क्यों नहीं आ रही है. सो आई फील सो बैड कि वो कहानी बीच में रह गई थी और वो बहुत अच्छी कहानी थी और वो बहुत अच्छा बना था और
बड़ी सबने मेहनत की थी. आई डोंट नो दोषी, मैं रियली वांट टू डायरेक्ट, क्या मैं उसमें भी पता नहीं मैं बेवकूफी हूँ या पता नहीं लेजी हूँ या पता नहीं सोचती हूँ कि कोई मुझे लाके मुझे पैसे देगा तो मैं जाके कोई चीज बनाऊंगी कभी. आई डोंट नो, आई थिंक आई एम अ वेरी गुड डायरेक्टर, लाइक बहुत अमेजिंग नहीं होंगी लेकिन मैं ठीक काम कर लेती हूँ, मुझे समझ है और सोच भी रखती हूँ मैं, और मुझे पता है कि किस चीज को किस तरह करना है या टूटा टूटा नहीं करना. या यू नो ड्रामा भी एक चीज होती है और डायरेक्शन भी एक चीज होती है. जैसे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ना वो ज्यादातर अपने शॉर्ट्स पे ध्यान देते हैं, ड्रामे को भूल जाते हैं, कहानी को भूल जाते हैं. कुछ होते हैं जो सिर्फ कहानी और उसके ऊपर होते हैं. सो आई वॉन्ट टू आई डोंट नो, पता नहीं किसी ने क्या होगा था कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए. तोशी, those were the most wonderful years of my life. I used to love it. पकड़ी गई towards the end. अब्बू को पता चल गया कि मैं देख रही हूँ. अब्बू was a GD pilot. I really wanted to be a fighter pilot. Like I used to idolize my father. मैं अब्बू का cover हो सुंगा करती थी. मैं इतनी कोई प्यारी नहीं थी. बहुत ही सुखी काली कोजी सी जिसे कह सकते Lara Croft, Tomb Raider. वो जो भी काम करती है वो बहुत अमेजिंग करती है. वो इतनी जान डाल देती है अपने कैरेक्टर के अंदर. हाँ, तुम्हारा ये बहुत जायज सवाल है कि क्यों, आखिर क्यों? तो अगर किसी लड़की ने बचपन से ये ख्वाब देखा हुआ है कि उसके एक बड़ा सा घर हो और उसके पास गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, दौलत हो और वो अच्छे कपड़े पहने और अच्छी जगह पे खाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, गलत थी. बट ठीक है यार, आपको मोहब्बत थी, उसे नहीं है, अब खत्म हो गई बात, जाने दो उसको, वो जो मर्जी करे अपनी जिंदगी में. उसके बाद क्या, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. ये तो ये फेमिनिस्ट औरतें इस तरह की बातें करती हैं, आप तो घरेलू हैं, पट्टी डाल दो, गर्दन छुपा लो, इज्जत रही ऊपर की इज्जत जो है ना, इससे हम सबको मरवाया है, इससे कास्टिंग काउच नहीं करेंगे आपको.